हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय मां तारा। मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री, आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूं, 15 मिनट में स्त्री आपका प्यार में दीवानी हो जाएगी। एक लोहे का कील यहां ठोक दो। अगर एक लोहे का कील अगर आप यहां ठोक देते हैं तो 15 मिनट में स्त्री आपका प्यार में बेचैन हो जाएगी, 15 मिनट में स्त्री आपका प्यार में मदहोश हो जाएगी और 15 मिनट में स्त्री आपका प्यार में दीवानी बन जाएगी। आखिर लोहे के कील को कहां पर ठोकना है, किस जगह पर ठोकना है, किस समय ठोकना है और किस दिन ठोकना है, मैं सारी प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक वशीकरण टोटके है। इस टोटके की कोई काट नहीं है। घर बैठे बिना खिलाए पिलाए आप किसी भी स्त्री को, किसी मनचाही स्त्री को आप अपने प्यार में उसे दीवाना बना सकते हैं। जीवन भर आपकी गुलामी करेगी, आपके कदमों में गिरी हुई रहेगी। ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली टोटके मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सिर्फ एक लोहे का कील के द्वारा आप चमत्कारी टोटके करके उस स्त्री का प्यार को आप पा सकते हैं। अगर वो स्त्री आपका जो है प्यार को धोखा दे करके चली गई, अगर स्त्री आपको छोड़ करके चली गई या आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली गई, मायके में है, वो आना नहीं चाहती है, तो इस क्रिया के द्वारा आप उसको 15 मिनट में अपने प्यार में उसे आप तड़पा सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, इसकी तरीका क्या है, मैं सारे कुछ विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखे, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप किसी भी मनचाही स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं तो मात्र एक लोहे का कील काफी है और उस कील के द्वारा आप कर सकते हैं। तो इसको किस दिन करना है, इस क्रिया को करना है आपको मंगलवार या नहीं तो शनिवार, शनिवार को भी आप कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात जान लीजिए, आपको मैं एक नक्शा इसमें दूंगा, वीडियो का स्क्रीन पर आपको एक नक्शा बता रहा हूं। इस नक्शा को आपको 7 टुकड़ा यानी 7 पीस जो है आपको कोरा कागज लेना है और 7 पीस कोरा कागज पर इस नक्शा को आपको उतार लेना है। उसको उतार करके क्या होता, उसको लाल रंग का मार्कर कलम से उस नक्शा को आपको लिखना है, 7 पीस नक्शा को लिखना है। नक्शा को बीच में जो है अमुकी जहां लिखा हुआ है वहां पर उस स्त्री का नाम को लिखना है, उस स्त्री का नाम आप लिख दीजिएगा। 7 पीस आपको कागज पर इसको लिख लेना है और लिखने के बाद में इस क्रिया को रात को, शनिवार के रात या मंगलवार के रात को इत्मीनान के समय में, एकांत समय में जब कोई डिस्टर्ब ना करे उसी समय इसको क्रिया को करना है और ध्यान में उस स्त्री का ध्यान में रखते हुए उसके नाम को आपको यहां लिखना है और लिखता रहिए। जितना भी अक्षर आप लिखिएगा उस सब लिखते समय में उस स्त्री का नाम आपको लेते रहना है। बस इस क्रिया को 7 बार लिख करके रख लीजिएगा और एक लोहे का कील जो है किसी भी दुकान से आप पहले से खरीद करके रखिएगा, लोहे का कील को खरीद करके रखिएगा। लेकिन जब खरीदते समय ये चीज ध्यान रखिएगा, बिना मोल भाव किए हुए आपको एक ठो कील खरीदना है, चाहे 2 इंच का कील हो, चाहे आपको 3 इंच का कील हो, चाहे 1.5 इंच का कील हो, आपको बिना मोल भाव का दुकानदार अगर बोल दे कि इस पर आपको 100 रुपया लगेगा तो 100 रुपया दे दीजिएगा, दुकानदार अगर बोले इसका 10 रुपया लगेगा तो 10 रुपया ले लीजिए, बिना हिचक बिना मोल भाव किए हुए उस कील को आपको लेकर के खरीदना आना है। और उसके बाद में ये 7 कागज को क्या करना है, उस जो नक्शा उतारते वो 7 नक्शा को आपको फोल्ड कर लीजिएगा, 7 नक्शा को फोल्ड कर लीजिएगा। अब फोल्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, रात में तकिया के नीचे कील के साथ रख करके आपको सो जाना है और सोते हुए जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद आपका टूट जाए तो आपका बासी मुंह बिना नहाए धोए वही 7 जो ये जो नक्शा बनाए थे कागज में, उस 7 कागज को लेकर के आपको करना क्या है, किसी भी उस औरत का या उस स्त्री का, उस प्यार का आने जाने वाला जो रास्ता है, जहां भी वो आना जाना करती है उस रास्ते में 7 नक्शा को वहां पर कागज को रख करके
उस लोहे का कील को आपको वहां ठोक देना है, चाहे रोड पर हो, चाहे कहीं पर भी उसका आने जाना, गली मोहल्ला हो, वहां पर रात एकदम ठोक दीजिएगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूरज उगने से पहले बस इतना क्रिया आप कर दीजिए, उसके बाद देखिए चमत्कार किसको कहते हैं। एक लोहे का कील के द्वारा बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल टोटके, इसे आप जरूर प्रयोग करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रा।